बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब में सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम वो सैंपल जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद ना हो, हम उसको यूज करते हैं अपने कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो चलो जी, आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस सैंपल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ सैंपल यहां मौजूद होंगे, लेकिन आपकी आपका आपके अपने मर्जी के मुताबिक सैंपल वो यहां मौजूद ना हो तो आपने यहां पे मोर पे क्लिक करना होगा। मोर पे क्लिक करने के बाद फिर यहां पर मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स मौजूद होंगे। हाँ, ये सैंपल, ये सैंपल, इसी तरह आप ये आप नीचे चलते जाएं तो ये मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स नजर आएंगे। तो इसी तरह आप इन सैंपल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला सैंपल ड्रा करना चाहता हूं जो कि ये मेरे कीबोर्ड में नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर यहां पे इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये यहां पे आ जाएगा। इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरा सैंपल आ जाए जो कि मेरे कीबोर्ड में ना हो, तो वो मैं ये वाला देना चाहता हूं। ये मेरे कीबोर्ड में नहीं है, मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड में नहीं है, तो मैं इसको देना चाहता हूं। तो आपने इसको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इसी तरह आप एक साथ ये भी दे सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब मैं ये वाला देना चाहता हूं, तो आप इंसर्ट करने के बाद साथ में ये वाला आ गया। लेकिन मैं अब न्यू लाइन में देना चाहता हूं, तो आपने एंटर दबाना होगा। एंटर दबाने के बाद फिर आपने सैंपल पे क्लिक करना होगा। सैंपल पे क्लिक करने के बाद मोर सैंपल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर अब ये मेरे कीबोर्ड में नहीं है ये सैंपल, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। तो इसी तरह हम वो सैंपल, ये वो सैंपल्स है जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, इसके थ्रू आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम सैंपल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, वो सैंपल जो हमारे कीबोर्ड में ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स, वस्सलाम।